नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत। गाइस इस वीडियो में बात करने रियलमी 5 प्रो के बारे में। गाइस रियलमी 5 प्रो में फाइनली जुलाई महीने का अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया। तो गाइस क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या बग्स फिक्स हुआ ये वीडियो में आपको बताने वाला। तो गाइस इधर भी स्किप मत करना। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तो वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप गाइस स्क्रीन पर देख रहे होगे, RMX 1971 रियलमी 5 प्रो का मॉडल नंबर है और वर्जन की बात करें तो 3.05 वर्जन है। और गाइस साइज की बात करें तो 493 MB का है, मतलब 493 MB का। जैसे रियलमी 3 प्रो का 494 MB का था तो 1 MB का कमी है मतलब इसमें रियलमी 5 प्रो में। और बात करते हैं चेन लॉक की, तो गाइस चेन लॉक पूरा आपको सेम मिलता है रियलमी 3 प्रो जैसा, मतलब जो रियलमी 3 प्रो में चेन लॉक आया था तो गाइस वैसे ही पूरा चेन लॉक आपको देखने को मिल जाए। तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको मिल जाएगा जुलाई महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, 5 जुलाई का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा रियलमी 5 प्रो में। और रियलमी लैब में एक फीचर ऐड किया गया, ऐड द स्मूथ स्क्रॉल फीचर। तो गाइस ये फीचर के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो प्राइवेट में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और बात करते हैं सेटिंग में, तो एडिट मल्टी यूज़र मोड, सॉरी मल्टी यूज़र फीचर्स, मोड भी बोल सकते हैं फीचर भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये तो आपको पता होगा, आपको मल्टी यूजर फीचर एक देखने को मिल जाएगा, मतलब ऊपर आप स्टेटस पर नीचे करोगे तो ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको आप उसको दूसरे आईडी में मतलब कर सकते कन्वर्ट। तो गाइस इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो आई बटन में लिंक दिया था उसमें आप वीडियो में पता चल जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाता है ऑप्टोमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर था उसको और ऑप्टोमाइज कर दिया कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले। और बात करते हैं सिस्टम में, सिस्टम में ऑप्टोमाइज द ट्रांसफर ऑफ द साइड बैक गेस्टर स्टाइल, गेस्टर स्टाइल को ट्रांसफर कर दिया था तो भी क्या मालूम वापस ऑप्टोमाइज कर दिया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है रियलमी वाले का। और ये ब्लूटूथ और फ्लाइट मोड का कुछ इशू था, उसको फिक्स कर दिया गया। जैसे कि ब्लूटूथ ऑन होता था, फ्लाइट मोड करते थे तो वो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता था, गाइस उसको फिक्स कर दिया गया है, अब ब्लूटूथ ऑफ नहीं होगा। और लास्ट में ये सब नॉन इशू एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब जो बग्स था उसको फिक्स किया गया और सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। तो गाइस ये अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हुआ कल रात से। तो गाइस मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल रात से मैं 3 प्रो का डाल दिया था, उसके पहले डालता तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आता, इसलिए मैं अभी डाल रहा हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं मैनुअल लिंक की, तो मैनुअल लिंक आपको देखने को मिल रहा है 3.04 वाला, अभी तक मैनुअल लिंक भी नहीं आया, एक दो दिन में मैनुअल लिंक भी आ जाएगा। और बात करते हैं ऑल यूजर को कब तक देखने को मिलेगा, तो गाइस दो हफ्ते में या एक हफ्ते में ऑल यूजर को देखने को मिल जाएगा। तो भी गाइस एक हफ्ते में ऑल यूजर को देखने को मिल ही जाता है, कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, जो बच्चे यूजर रहते हैं उनको 2 हफ्ते में मिल जाता है। और गाइस इतना ही था वीडियो में, और कुछ अपडेट अपडेट आएगा तो आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।